माता रानी दोस्तों, मैं नीता नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जय जीमूतवाहन अवश्य लिखिए। संतान की दीर्घ आयु होगी, सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में खर जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत आपको किस तारीख को रखना है, व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, नहाया खाया के दिन पे पूजा इत्यादि करके आपको खाना किस समय तक खा लेना है एवं क्या खाना खाना है, पूजा की संपूर्ण विधि एवं सामग्री क्या है और व्रत का पारण आपको कब करना है, किस तरह से इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। संतान की शुभकामना के लिए इस व्रत को बिहार, उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश कई जगह पर बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है अष्टमी के दिन अपने पितरों के निमित्त पूजन इत्यादि करने से वह हमारी संतान को आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि संतान के जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है और घर में सभी बच्चे तरक्की करते हैं। इस व्रत को दोस्तों अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है, जबकि पितर पक्ष या श्राद्ध चल रहे होते हैं। बहुत ही खास त्यौहार है, इस दिन पे सभी माएँ निर्जला व्रत रखती हैं। अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों नीता विक्रम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए, इससे आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारी निशुल्क और सही प्राप्त होगी। आज का वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितिया का पर्व 3 दिन में मनाया जाता है। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक इस व्रत को करा जाता है। दोस्तों पितृपक्ष या श्राद्ध में करे जाने वाला यह एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सबसे पहला दिन है कृष्ण पक्ष की सप्तमी की तिथि। इस दिन पे सर्वार्थ सिद्धि योग है, जिसके कारण यदि आप अपना व्रत इस दिन से शुरू करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। इस दिन को नहाया खाया बताया जाता है। इस दिन पे व्रती स्त्रियां किसी शुद्ध नदी में स्नान करती हैं और उसके बाद एक ही समय भोजन ग्रहण करती हैं। यदि दोस्तों आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल को डाल के स्नान करें और उसके बाद एक समय आपको भोजन करना है। यह भोजन आप अष्टमी तिथि के प्रारंभ होने से पहले कर लें। इस दिन पे मड़ुए के आटे की रोटी बनाई जाती है, नोनी का साग बनाया जाता है और झिंगनी बनाई जाती है। दोस्तों यह भोजन विशेष प्रकार का होता है, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी जन्म ले लेता है, इसलिए इस भोजन को विशेष तौर पे इस दिन पे करा जाता है। इस भोजन को करके स्त्रियां अपना व्रत शुरू करती हैं। दोस्तों अष्टमी की तिथि का प्रारंभ कब से कब तक होगा, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे ही अष्टमी की तिथि का प्रारंभ होगा स्त्रियां निर्जला व्रत रखेंगी। तो साल 2020 में अष्टमी की तिथि 9 सितंबर रात्रि 9:26 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 10 सितंबर रात के 10:29 में होगी। करीब 25 घंटे का यह निर्जला व्रत है। जैसा कि आप सभी को पता है अष्टमी की तिथि का सूर्य उदय 10 तारीख को है, इसलिए इस व्रत को आपको 10 तारीख को ही रखना है और इस तरह से सभी स्त्रियां इस दिन पे निर्जला व्रत रखती हैं। कई जगह स्त्रियां सर्गी करती हैं तो वह सुबह के समय थोड़ा सा नोनी का साग लेके और उसके साथ में पानी लेके केला इत्यादि खाकर अपने व्रत का प्रारंभ करती हैं। यह वो सूर्य उदय से पहले कर लेती हैं, यानी करीबन रात के 3:30 के आसपास वह सर्गी कर लेती हैं। जैसे जिन लोगों की तबीयत खराब रहती है, इन्हें दवाइयाँ खानी होती हैं, वह इस समय पे सर्गी करके भी इस व्रत को प्रारंभ करती हैं। वरना कई पुराने समय से जो स्त्रियाँ व्रत रखती आ रही हैं वह इस पूरी अवधि में निर्जला व्रत रहती हैं। आपको जैसा ठीक लगता है आप उस तरह से व्रत रख सकते हैं, क्योंकि जो लोग दवाइयाँ खाते हैं उन्हें कुछ न कुछ खा के यह व्रत रख लेना चाहिए, तो आप इस तरह से भी यह व्रत रख सकते हैं। दिन भर निर्जला रहा जाता है, साज श्रृंगार करा जाता है। इस दिन पे पैरों में महावर लगाया जाता है, नई साड़ी चूड़ी बिंदी बिछिए इत्यादि पहने जाते हैं। फिर दोस्तों शाम के समय आपको पूजन करना होता है।
जितिया पर्व में शाम के समय पूजन का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में होता है। इस समय पे आपको जीमूत वाहन का पूजन करना होता है। जीमूत वाहन पे सिंदूर चढ़ा के इनका पूजन करा जाता है और साथ ही साथ कई लोग गोबर और मिट्टी के चील और सियारन रख के उनका भी पूजन करते हैं। आपके यहाँ जिस भी विधि से पूजन होता है आप उस तरह से पूजन करें। अपनी पूजा में एक दीपक का कलश बना लें और साथ ही साथ नवग्रह इत्यादि की स्थापना करके आप इस पूजन को कर सकते हैं। और इसमें आपको प्रसाद में यहाँ पर काले चने और केरव का प्रसाद ज़रूर चढ़ाना होता है। इस प्रसाद को आप जीमूत वाहन को चढ़ाते हैं, साथ में हलवा इत्यादि जो भी चीज़ें आप बना सकते हैं, फल लाके इन सब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है तब आप वहाँ पे हवन करते हैं और वहाँ पे बैठ के जितिया व्रत की कथा भी सुनी जाती है। सभी देवी देवताओं का आवाहन कर इस पूजन को करा जाता है। कई जगह मोहल्ले की स्त्रियाँ एक साथ एकत्रित होकर इस व्रत का पूजन अर्चन करती हैं। दोस्तों, सभी व्रतों में जो ब्राह्मण देवता हैं उनके निमित्त दान निकाला जाता है जिसको सीधा बोलते हैं। इसमें आटा, आलू, नमक, जो भी चीज़ें आप श्रद्धा के साथ दान देना चाहें वह सभी रख के आपको इनके साथ कुछ दक्षिणा रख के जो पंडित जी आते हैं उनको दान जरूर कर देना चाहिए। तो इस तरह से इस दिन पे सभी स्त्रियां पूजन अर्चन करती हैं और बिल्कुल निर्जला होकर व्रत उपवास करती हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिस दिन जितिया का व्रत रहता है 10 तारीख की सुबह आपको बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और सबसे पहले इस दिन पे स्त्रियां सुबह उठ के चील और सियारन को भोजन देती हैं, जिसमें वो चूड़ा और दही अपने घर के छत के ऊपर रख के आती हैं। उसके बाद पूरे दिन की यह विधि करी जाती है। अब दोस्तों, अगले दिन जब आपको पारणा करना है, सुबह फिर से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करना है। जहाँ पर आपने जीमूत वाहन और चियारिन की पूजा करी है वहाँ जाके दोबारा दिया बत्ती करना है, उन्हें थोड़ा सा भोग इत्यादि अर्पित करके अब आप अपने व्रत का पारण इस दिन पे कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब जो भी कोई बड़ी पूजा समाप्त हो जाती है तो उसको उसी दिन पे नहीं उठाया जाता, अगले दिन दोबारा वहाँ पे पूजा इत्यादि करके जो चौकी पे आपने ये सब पूजा लगाई है उसे समेटा जाता है, फिर एक थाली में प्रसाद लेके अपने व्रत का पारण करा जाता है। तो जब सभी स्त्रियां फिर से अगले दिन सुबह जीमूत वाहन जी का पूजन कर लें, उसके बाद आपके पास यदि आपने सोने या चांदी का जितिया बनाया हुआ है तो सबसे पहले जो माँ है उस जितिया को अपने गले में पहनती है, जो भी सोने या चांदी का जितिया है आपके पास, उसके बाद उस जितिया को वो अपने बच्चों के गले में डाल देती हैं। जितनी देर आप बच्चों को पहनाना चाहें यह पहनाएं, इसे बहुत ही शुभ बताया जाता है। ऐसा करने से बच्चों के ऊपर जो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है वह उन्हें प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। इस प्रकार इस पूर्ण विधि से जितिया का व्रत करा जाता है। अगले दिन दोस्तों, जैसे आपने व्रत की शुरुआत नोनी का साग और मड़ुए की रोटी इत्यादि खा के करा था, इस दिन आप व्रत का पारण भी वैसे ही करेंगे। आप व्रत के पारण में कुछ फल ले लें, नोनी का साग ले लें और केरा ले लें, इन सभी चीज़ों को आप पानी से गटक के अपने व्रत का पारण करेंगे और सुबह के समय जो भी सामान है सिराने का, जैसे फूल आदि का प्रयोग हुआ है, जीमूत वाहन, चील, सियारन, यह सभी चीज़ें सिरा दी जाती हैं और भक्ति भाव के साथ इस व्रत को रखा जाता है, जिससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, स्त्रियों को संतान पुत्र पौत्रवान होने का आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको संतान की रक्षा हेतु जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुना रही हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनके अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक के कारण सभी अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिरोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझ के पांडवों के पांचों पुत्र की हत्या कर दी।
इसके कारण पांडवों को अत्यंत क्रोध आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भलीभांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्होंने पांडवों के पुत्र की रक्षा करने का अति आवश्यक उपाय निकाला। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पे सभी ने अपने पुण्य फलों को एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दिया। इसके फलस्वरूप वह उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यही बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा ने इस बच्चे को दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत कहा गया। तब से संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे यह जीवित पुत्रिका के व्रत की पूरी विधि समाप्त होती है। मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे दूँ। जैसे कई लोग पूछते हैं यदि पीरियड आ गया है तो व्रत करना है या नहीं करना है, तो आपको व्रत करना है। सिर्फ पूजन इत्यादि आप नहीं करेंगे, आपके घर में जो भी आपके पहचान की कोई भी स्त्री हो उनसे आप जीवित वाहन की पूजा के निमित्त जो लाया हुआ प्रसाद है वो अपने बच्चों या पति के द्वारा भिजवा दें, जिससे आपके नाम से प्रसाद इत्यादि अर्पित हो जाएगा। व्रत के बाकी सभी नियम आपको वैसे ही मानने हैं और जितिया का व्रत आपको अवश्य करना है। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल है तो वह आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकती हैं। जीमित वाहन का व्रत और पूजन इत्यादि करने से सभी की संतान की रक्षा होती है और यह व्रत करने से जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को भी सब्सक्राइब करिए और जी अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियोज़ वहाँ पर रोज़ देखिए। जय माता रानी दोस्तों, अगला वीडियो लेके जल्दी ही मिलूँगी, तब तक के लिए जय माता रानी।